कितने लोगों की प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां चली गई हैं। ऐसे नौजवान जब नौकरी के लिए जा रहे हैं तो एक सोची समझी साजिश के तहत यह खास विचारधारा के लोगों को नौकरी में गलत तरीके से दाखिल करने की कोशिश ये हुकूमत कर रही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, हिंदुत्व के एजेंटों को बहाल करने की कोशिश कर रही है। साफ मामला यह है कि फासिस्टों के हाथों में पूरे देश को देने की कोशिश की जा रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमाम ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। बता दें आपको कि अख्तरुल इमाम ने कहा है कि जिस तरीके से NTPC RRB के परीक्षा में धांधलेबाजी हुई वो बताता है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में अब रोजगार पाएंगे वो हिंदू होंगे। तो निश्चित तौर पर जहां छात्र आंदोलन चल रहा है वहीं अब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने निशाने पर लेते हुए केंद्र सरकार को एक बड़ा हमला करते हुए हिंदुत्व एजेंडा पूरे प्रकरण में डाल दिया है। क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान ने, आप उनका पूरा बयान सुनिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और NTPC के इम्तिहान के ताल्लुक से जो बदनवानियां सामने में आई हैं और उसके खिलाफ जो छात्र सड़क पर आए हैं और जमहूरी आईनी तरीके से उन लोगों ने विरोध किया है, उस पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों मिलकर जिस तरह स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की है, शैक्षणिक संस्थानों पर यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मुकदमा किया है, टीचरों पर मुकदमा किया है और जो बदनवानी आई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को और बिहार सरकार ने भी लाखों लोगों को मुलाजमत देने का दावा किया था। ये सरकारें तो मुलाजमत नहीं दे पाई हैं, बल्कि उल्टे नोटबंदी के जरिए से, GST के जरिए से इन्होंने न सिर्फ कारखाने बंद करवाए, कारोबार चौपट किए, लोगों को बेरोजगार किया, बल्कि देश का कबाड़ा निकाल दिया है। कितने लोगों की प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां चली गई हैं। ऐसे नौजवान जब नौकरी के लिए जा रहे हैं तो एक सोची समझी साजिश के तहत यह खास विचारधारा के लोगों को नौकरी में गलत तरीके से दाखिल करने की कोशिश ये हुकूमत कर रही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, हिंदुत्व के एजेंटों को बहाल करने की कोशिश कर रही है। साफ मामला यह है कि फासिस्टों के हाथों में पूरे देश को देने की कोशिश की जा रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। इसके लिए जमहूरियत पर और आईन पर यकीन रखने वाले लोगों को उठना चाहिए कि यह सरकारें मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगी। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा और आपने पूरे तौर पर देश का कबाड़ा निकाल दिया। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए आपने, अच्छे दिन तो लोगों के नहीं आए, लोगों के बुरे दिन आए। आपने लोगों को धर्म के, जाति के, क्षेत्र के नाम पर लड़ा के रख दिया और इन तमाम तर काले करतूत के नतीजे में मोदी जी लोगों के बुरे दिन तो आ गए बहुत पहले, लेकिन अब आपके बुरे दिन आ रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं। छात्रों पर जो मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए, जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए से भ्रष्टाचारी जो इम्तिहान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।